दोस्तों, सो मैं हो रही हूँ रेडी आज के दिन के लिए एंड मैं वीडियो बना रही हूँ एंड मेकअप कर रही हूँ, इसलिए शायद ये वीडियो शेक करी होगी। सो आज मैं करने वाली हूँ 10 मिनट्स का मेकअप, उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड। सबसे पहले हम करवाएंगे हस्बैंड का हेयर कट, उनका हेयर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, जल्दी से रेडी हो गए। एंड दो चीज़ें मेरे से एक साथ नहीं हो रही क्योंकि मैंने कैमरे को होल्ड भी किया है एंड मेकअप भी कर रही हूँ। सो 10 मिनट में मिलती हूँ। ओके यार बहू, मेरे बाल भी गिर गए, तो ठंड भी है, टोपी का लगा ना। ऑल राइट दोस्तों, तो ये है मेरे पति और इनका आज यही। एक मिनट मैं टोपी पहना। गाइस पति के बाल में क्यों? मेरा ना जूरा था, मैंने जूरा कटा। ओके दोस्तों, पति के बालों की हालत देखिए। पति बाल नहीं कटवाना चाहते, पता नहीं पैसे बचाना चाहते या बाहर कोरोना से डरते, कुछ तो कुछ है। पर आज मैंने बीड़ा उठाया है कि सबसे पहले पति के बाल कटवाएंगे। समय हो गया है 12 अराउंड एंड भूख लगी है हमें, तो हम बाहर जाके पहले तो छोले भटूरे खाएंगे कहीं से एंड देन हम लोग पति के बाल कटाएंगे। छोले भटूरे नहीं, पति अपनी सेटिंग कर रहे हैं पर हम उनकी वीडियो बनाएंगे नहीं। हेलो गाइस दोस्तों, मैं भी आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। ओके, मेरी अपडेट बड़ी क्यूट है। एक्चुअली मेरी अपडेट ये है कि मैंने ना प्लान बना लिया। सो मेरी अपडेट क्या है कि मैं करने वाली हूँ 365 डेज वीडियो चैलेंज, जिसमें हम एवरी डे कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे। सो मैंने सोचा कि अगर चैलेंज लेके चलेंगे तो शायद यह कर पाऊँगी एंड मैं चाहती हूँ कि मैं कोई चैलेंज करूँ एंड यही बता रही थी मैं आपको। और वो वीडियो इतनी ज़्यादा ब्लर एंड वाइट होगी कि उसे मुझे कट करना पड़ा है एंड वॉइस ओवर के जरिए आपको बताना पड़ रहा है कि मैं ये बोल रही थी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई भी दिन मिस ना हो, क्योंकि मैं जब कमिटमेंट करती हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। तो मैं जो मैं कमिटमेंट करता हूँ, केड़ा डायलॉग है ना सलमान दा, जब मैं कमिटमेंट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की। यार गाइज मेरी प्रॉब्लम है, जब मैं कमिटमेंट करती हूँ फिर मैंने पर मेरा अति जागना पे, सिर दुखे, बॉडी दुखे, कुछ भी हो करना पड़ेगा फिर मुझे। सो आज मैं कमिटमेंट करना थी, पर हो ज्यादा कोई दिन मिस भी हो जाए पर कोशिश करूंगी मैं पूरी। तो मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आपको मैं अच्छा खाना बनाना सिखाऊंगा, हॉट कुक, घर का झाड़ू खटका कैसे करने का है और रियल स्टेट में क्या क्या चल रहा है उसकी ताजा तरीन खबर। ओके दैट्स नाइस। सो बाल कटाने की अपॉइंटमेंट ली है? साला अपन जिधर जाता है ना अपन का नंबर पहले आए, पहला जेडी तू कमे लाइन से खड़ जाना, लाइन ओथो शुरू हो जांदी वहीं से, ओते जाके देख लांगे भावे सब तो अखीर च लगे हो तू। सो गाइस पति की तरह ना गप्पा नहीं मारनी है, गप्पे नहीं सुननी। सो सर हमें छोड़ के जा चुके हैं एंड सर हाउ आर यू फीलिंग सर, एक्साइटेड? मेरी वैक्सीन लग दी हुई है, बाल कटाना पड़ा। पहला मैं बहुत ऑफ्टन कटाता रहा, लाइक एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वंस और थ्री मंथ, every 8 or 9 months un wala nu kehne aa jao please aa jao। so guys daddy ka ye jo baal pe kuch is tarah dikhta hai, bande galla hi badhiya kar rahe, tu hi kehne jinaniyan galla kar diya, bande de galla woh karan de oye nahiyan nu aat tun liyo sa melbourne de nahi da experience dasso oh jehde chinese si oh apni language ch inno munnu 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 kar de rende itte daang bachcha nu। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रॉम द अदर एंड। सो हम लोगों ने प्लान बना लिया है हिम्मत को पिक करने का स्कूल से। हमने सोचा कि बाहर ना कुछ अच्छा खाने के लिए जाते हैं पर वो दूर है, तो हिम्मत को पिक करने का प्लान बनाया और हिम्मत आ रहा है। टीचर ने कहा कि योर पेरेंट्स आर चल चल जा वापस स्कूल, जा गो बैक। ओके गाइस, तो हमने हिम्मत को पिक कर लिया है। हिम्मत बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं, ठीक ठाक है, कंडा कि मैं अपने स्कूल में खुश था, मैं हैट था। सो यस अब हम जा रहे खाने पीने के लिए, अदरवाइज बेचारा हिम्मत रह जाता। और दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं बामिया कबाब में, काफी समय हो गया कि हमने ये खाया नहीं है। तो
तो ठीक है। सो क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो सर? तो खाना खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सैर की जाए। बाहर ठंड थी, बारिश थी, तो हमें लगा कि अच्छा है किसी मॉल में जाके वॉक करते हैं। ख़रीदना तो हमें कुछ भी नहीं था, पर बहुत समय हो गया कि हम स्क्वायर वन नहीं गए हैं। तो उसके बाद हम स्क्वायर वन चले गए एंड वहाँ पे हमने घूमा फिरा। एंड वहाँ पे जो विंडो की दुकान थी, जहाँ पे विंडो के कंप्यूटर एंड एवरीथिंग मिलता था, वहाँ पे ये डेकोरेशन सामान की दुकान आ गई है। लाइक विंडोज़ स्क्वायर वन से उड़ गया है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, नहीं? सो या, इस दुकान में ये बहुत ही क्यूट क्यूट सा सामान है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड मोस्टली चीज़ें काइंड ऑफ प्लास्टिक ही मटेरियल की है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे पॉट पड़ा था ब्लैक रंग का, मुझे उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्थर का हो, पर जब मैंने उठा के देखा तो प्लास्टिक का था। एंड यू नो कितने का था वो? $89 का। प्लास्टिक इतने रुपये दे के कौन खरीदता है? सो या, नहीं ख़रीदा मैंने कुछ। और ये जो स्टोर की मैनेजर है, इस पति इसके साथ बहुत ही प्यार की पिंगा पा रहे हैं और खूब सारी बातें कर रहे बातें कर रहे बातें कर रहे बातें कर रहे। मैंने और हमने बहुत वेट की। फिर आपस सोचा चलते हैं यार स्टोर के बाहर, पति नो करन तो जो करना है। सो पति पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म करके ही बाहर आए। सो ये है मेरे पति की सच्चाई। सो उसके बाद मैंने सोचा कि बुक स्टोर को भी घूमा जाए, क्या पता कोई अच्छी किताब मिल जाए। तो मुझे तो मिली नहीं है, हिम्मत को मिली है। ये बहुत प्यारी सी किताब है। Guys, I'm getting, I want a dog man book. You see, there's a man and a dog. Dog man. And a cat and a man. Cat man. Mommy, can I have it? Please. यहाँ पे क्रिसमस के बहुत ही क्यूट क्यूट सी डेकोरेशंस भी है। आई डोंट नो, इंडिगो का सामान मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्यूट होता है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इंडिगो की। वो डेकोरेटिव दुकान जैसी नहीं है इसकी क्वालिटी, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद हम घूमने चले गए फूड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ये फ्लावर शॉप है एंड इसमें ये क्यूट क्यूट से फ्लावर्स कितने प्यारे हैं। और उसके बाद हमने देखी ये जापानीज फेमस चीज़ केक की दुकान। यहाँ पे चीज़ केक मिल रहा है और काफ़ी फ्रेश, वो आपकी आंखों के सामने बना भी रहे हैं, पैक भी कर रहे हैं। और हस्बैंड का अचानक से केक खाने के लिए मन कर गया, पर मैं चीज़ केक की इतनी फ़ैन भी नहीं हूँ और मुझे पता नहीं है जापानीज चीज़ केक कैसा होगा। आपने कभी ट्राई किया है मुझे बताना प्लीज़। सो हमने नहीं खरीदा है, पति को बड़ी मुश्किल से मनाया कि मत खरीदो। डिस्ट्रिक्ट में ही
यहाँ पे कितनी सारी दुकानें खुली थी और बहुत एक्साइटिंग भी थी, पर हूँ या तो खाली है, शांत है, या कुछ तो बंद ही हो गई है। 2 साल कोई स्टोर बंद रह गया कैसे चल सकता है। ओह माय गॉड, कोने से जाके कोई कपूचियाँ कर आने तो दोनों है। पर यस, अब हम होल फूड्स जा रहे हैं पति के लिए केक लेने, क्योंकि पति का केक खाने के लिए मन नहीं भरा। वो दोस्तों तो पहुंच चुके हैं होल फूड्स और यहाँ से हस्बैंड का केक खाने के लिए मन है। इनके वैसे केक ना अच्छे होते हैं, लाइक काफ़ी फ्रेश, क्वालिटी भी अच्छी है, तो शायद हम यहाँ से केक लेंगे। और मेरी चाय के लिए क्रीम भी फिनिश हो गई है, मैं शायद वो भी ले लूँगी। सो यस, लेट्स गो एंड गेट इट। पहुँच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा घूम घूम के आए हैं और होल फूड से ये चीज़ें लेके आए हैं। पर मैं लेके आई हूँ ये इटालियन ब्रेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार एंड सॉफ्ट है एंड इसे मैं बटर लगा के खाऊंगी। मैंने कल हिम्मत को दी थी, उस बहुत अच्छी थी। यार गाइस, पति नु काम क्यों नहीं आंदा कोई करना, लाइक की है पति बना तो पति भी इदा ही है या जाति इदा दी है, पति पुरानी इदा दे या थोड़े जे घट ब्रेन वाले या मेनू ही थोड़ा घट मिलिया। पतिया की जाति मेनु लगता कमजोर पैदा हुई। वैसे ना बहुत थोड़े न मिलते जुलते पति होर भी बड़े आठे। ओके दोस्तों, तो ये है हस्बैंड केक लेके आए हैं। आई थिंक एक दो डिफरेंट काइंड के केक लेके आए हैं, वो चॉकलेट एंड आई डोंट नो क्या। मेरा तो खाने के लिए मन है नहीं, पति खाएंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आपको मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करें, क्योंकि हम लोग रोज कोई प्यारी सी वीडियो अपलोड करने वाले हैं एंड मेरी वीडियोस बहुत प्यारी होती है आपको पता ही है। पर इस बार मैं आपको खूंखार वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ, जिससे हम हमारे पति को बंदा बनाएंगे, उनको कुछ तो करेंगे दोस्तों। ओके सो या अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं आपको। आई लव यू।